दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं और आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इसके बाद लगातार सबसे पहले अपडेट्स आती रहेंगी। और अगर आपने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो वेबसाइट पर खबरें अपडेट होती हैं, जो हमारे ट्विटर पर जाती हैं, जो हमारे फेसबुक पर जाती हैं, वो भी लगातार आप उनसे भी टच में बने रहें, इसलिए आपसे कहना चाहूँगा वहाँ भी हमारे पेज को लाइक कर लें। चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के बारे में कि यहाँ पर क्या समीकरण बनने वाले हैं और कौन किस पर भारी होने वाला है। रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 7 विधानसभा सीट है उनमें से 5 विधानसभा सीटों पर वही प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं जो कि साल 2013 में आमने सामने थे। यहाँ पर सिटिंग एमएलए सत्यनारायण शर्मा है और उनके अपोजिट है नंदेश साहू जो कि भाजपा से कैंडिडेट हैं, और ये शायद जिले की एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जनता कांग्रेस की तरफ से ओपी देवांगन मैदान में है और उनके मैदान में होने की वजह से ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर सत्यनारायण शर्मा ने बमुश्किल जीत हासिल कर पाई थी और जीत का मार्जिन महज 2000 के अंदर ही रहा था, और नंदे साहू को शायद यही वजह रही कि दोबारा से पार्टी ने भरोसा किया है। लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो 2008 में नंदे साहू यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, उसके बाद 2013 में फिर भाजपा ने उनको टिकट दिया लेकिन वो हार गए, और इस बार फिर भाजपा ने तीसरी बार लगातार उन पर भरोसा किया है। और इस बार देखना होगा कि वो कितनी फाइट दे पाते हैं, क्योंकि वो इस बार ओपी देवांगन भी मैदान में है जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। एक बार फिर साल 2013 को रिपीट किया गया है, यहाँ पर भाजपा ने श्रीचंद सुधरानी को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने एक बार फिर कुलदीप सिंह जुनेजा पर भरोसा किया है जो कि पिछला चुनाव हार चुके हैं। हालांकि भाजपा में बड़े उठापटक के बाद श्रीचंद सुंदरानी को टिकट दिया गया आखिरी मूवमेंट पर, और पूरे छत्तीसगढ़ में मात्र यही एक ऐसी सीट थी जिस पर सबसे आखिरी में टिकट दिया गया। कहा जा सकता है कि ये एक अहम मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर श्रीचंद सुंदरानी का हम शुरू से ही देख रहे थे कि उनका टिकट एकदम माना जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है। कई दावेदार वहाँ से ही सबसे ज़्यादा दावेदारी कर रहे थे, जो एक प्रबल दावेदार थे वहाँ से वो सभी लगभग उत्तर की विधानसभा सीट से ही दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था इस बार श्रीचंद सुंदरानी का टिकट कट सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंधी समाज ने दबाव बनाया वो दबाव आखिर में काम में आया और भाजपा ने वापस से श्रीचंद सुंदरानी को रिपीट किया है। लेकिन इस बार उनका जीतना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि कुलदीप जुनेजा को एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जा रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने हार के बावजूद उनको रिपीट किया है, और यह मुकाबला भी फिलहाल 50-50 का माना जा रहा है। हरसिवा में एक बार फिर भाजपा ने अपने जो 3 बार के सिटिंग एमएलए हैं देवजी भाई को ही मैदान में उतारा है। देवजी भाई के सामने एक बार फिर कांग्रेस ने अनीता शर्मा पर ही भरोसा जताया है जो कि पिछला चुनाव उनसे हार चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों ही प्रत्याशी एक बार फिर मैदान में हैं। साल 2013 में हमने देखा था अनीता शर्मा ने देवजी भाई को कड़ी टक्कर दी थी और ये मुकाबला महज 2300 के करीब अंतर से वो देवजी भाई जीत पाए थे, तो इस बार कहा जा सकता है कि उनके लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और इस बार कहीं ना कहीं उनके लिए टफ फाइट होने वाली है। यहाँ से बात अब रायपुर की एक हाई प्रोफाइल सीट की कर लेते हैं। ये हाई प्रोफाइल सीट है रायपुर दक्षिण। यहाँ पर भाजपा ने अपने कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को एक बार फिर रिपीट किया है, तो कांग्रेस ने नए प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल को मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस बड़ी दुविधा में रही शुरू से ही, और कई प्रत्याशियों की तलाश की गई इस सीट के लिए, लेकिन उन्होंने आखिर में भरोसा कन्हैया अग्रवाल पर किया। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर दो अग्रवालों के बीच लड़ाई है, और इसमें कहा जा सकता है कि इस बार भी बृजमोहन अग्रवाल को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के लिए ज़रूर सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि वो कितने वोट काट पाते हैं डिपेंड उनकी जीत पर यही करेगा, और कहा जा सकता है कि यहाँ मुकाबले में अब भी बृजमोहन अग्रवाल ही भारी दिखाई दे रहे हैं। और अगर रायपुर की जनता ने दृढ़ निश्चय के साथ ये तय नहीं किया कि बृजमोहन अग्रवाल को हराना है, तब तक उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा मुश्किलें नहीं होने वाली हैं।
रायपुर जिले की एक और बेहद खास सीट अवनपुर, अवनपुर में भी एक बार फिर चंद्रशेखर साहू और धनेंद्र साहू, दो साहुओं के बीच मुकाबला है। यहाँ पर ये दोनों ही प्रत्याशी छठवीं बार आमने सामने हैं और इससे पहले महज एक बार भाजपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया था, लेकिन इसके बाद ना भाजपा यहाँ से कैंडिडेट चेंज करने की हिम्मत दिखा पाई, ना ही कांग्रेस यहाँ से अपना कैंडिडेट चेंज कर पाई। लिहाजा एक बार फिर ये दोनों यहाँ पर आमने सामने हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये दोनों में से एक बार चंद्रशेखर साहू जीतते हैं और एक बार धनेंद्र साहू जीतते हैं। यहाँ की जनता दोनों में से किसी एक को चुनती है। हालांकि इस बार धनेंद्र साहू यहाँ पर सिटिंग MLA हैं और चंद्रशेखर साहू इस बार वापस ये सीट जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रायपुर की एक और खास विधानसभा सीट है रायपुर पश्चिम। यहाँ पर एक बार फिर राजेश मूणत और विकास उपाध्याय आमने सामने हैं। पिछली बार विकास उपाध्याय ने अच्छी टक्कर राजेश मूणत को दी थी और ये मुकाबला महज वो 6100 के करीब वोटों से हारे थे, लेकिन कहा जा सकता है कि ये मुकाबला एकदम टफ था उस वक्त में। और एक बार फिर शायद इसीलिए कांग्रेस ने विकास उपाध्याय पर भरोसा किया है और विकास उपाध्याय लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी रहे हैं, वो लगातार आंदोलन भी भाजपा के खिलाफ चलाते रहे। लिहाजा इस बार भी उनके लिए चुनौती होगी कि वो राजेश मूणत को कितनी टक्कर दे पाते हैं। रायपुर पश्चिम के बारे में बता दूं कि यहां से लगातार 3 बार राजेश मूणत चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार उनके लिए बेहद टफ फाइट है। बातें आरंभ की कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से जहाँ संजय डीडी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक शिव डहरिया मैदान में है। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने यहाँ पिछला मुकाबला 13,774 के बड़े अंतर से जीता था। नवीन मार्कंडे यहाँ से पर जीत हासिल किए थे, एक पार्टी के लिए नया चेहरा थे, युवा चेहरा थे, लेकिन 5 साल में उनकी निष्क्रियता के चलते उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह संजय डीडी को मैदान में उतारा है और शिव डहरिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर एक उपयुक्त कैंडिडेट हो सकते थे, लिहाजा ये मुकाबला 50-50 का माना जा रहा है। अब देखना होगा कि दोनों में से कौन जनता का दिल जीतने में कामयाब होता है। तो रायपुर की ये 7 विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सबसे पहले वीडियो जो भी अपलोड करें वो आप तक पहुँचे।